दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो लोग एनआईएस डीएलएड में एग्जाम फीस कल तक नहीं भर पाए या प्रॉब्लम हुई, तो यहां पर लेटेस्ट न्यूज के साथ, नए अपडेट के साथ हम आपके बीच यहां पर फिर से उपस्थित हैं। हालांकि कल हमने बहुत कोशिश की थी, कल हमने लाइव भी किया था आप लोगों के साथ, और ये बताने की कोशिश की थी कि जिन लोगों का छुटा हुआ है और किस परिस्थिति में आपको कल भरना चाहिए, किस परिस्थिति में वेट करना चाहिए, सारी बातें हमने आपको वहां पर बताई थी। तो आज का अब क्या है आगे, उसका लेटेस्ट अपडेट के साथ आप पूरी वीडियो को यहां पर देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको यहां पर न्यूज दिखा दूं कि ये न्यूज ऑलरेडी आ चुका है कि सर्वर डाउन होने के कारण से डीएलएड परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाए कई शिक्षक। तो ये खबर जो है यहां पर न्यूज तक आ गई है और यहां पे कहा जा रहा है कि डीएलएड परीक्षा के आवेदन के दौरान बार बार सर्वर डाउन होने से शिक्षक परेशान हैं और वे एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे ये कहा जा रहा है कि यदि तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो कई शिक्षक फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे और प्रभावित शिक्षकों ने आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की है। और उसके बाद नीचे में पूरी ये बात लिखी गई है कि यहाँ पर जो है 501, 502, 503 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन जो है शिक्षक फॉर्म नहीं भर पाए, जिसके कारण से कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि तारीख आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अगर हम लोग अब यहाँ पर वस्तु स्थिति में चलते हैं, डीएलएड की जो वेबसाइट है वहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर है लिखा हुआ कि सेम चीज़ बात अभी तक यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 250 रुपीज़ ईच जो आपका फीस है वो आपका 6 मार्च को लास्ट है, और उसके बाद आप यहाँ पर अगर देख लें नीचे में तो फ्रॉम 7th ऑफ मार्च यानी कि आज से 15 मार्च तक लेट फाइन के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। तो लेट फाइन पर सब्जेक्ट आपको 100 रुपया लगेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जिन लोगों का छूट गया है अभी तक, यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि जिन लोगों का मान लीजिए कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था लेकिन अपडेट नहीं हुआ था, तो वो लोग अभी भी मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पेमेंट ना करें। जिन लोगों का फेल हो गया था उन लोगों से मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग पेमेंट कर लें। और अब जो है, अब आपको यहाँ पर अगर हम आपको वेबसाइट पे लिए चलें तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डीएलएड एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, 502, 503। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यही जो इनरोलमेंट नंबर डालने का पेज है इस पर आ जाएंगे आप। और जब आप इनरोलमेंट नंबर डाल के अब चेक करेंगे यहाँ पर, मतलब 7 तारीख से यानी कि आज से अगर आप यहाँ पर अब चेक करते हैं तो फिर आपका डिटेल्स दिखाएगा, और जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके का अब दिखेगा। ये ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखें तो देख लीजिए आप, फी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स कोड 501, 502, 503, इसमें अगर आप देखें तो फी एट द रेट ₹350 इज सब्जेक्ट, सो 350:3 इक्वल टू 1050 टोटल। तो यहाँ पे ऑलरेडी एनआईएस के वेबसाइट पे अपडेट हो गया है कि अब आपको जो है अगर आप पेमेंट करते हैं तो ₹350 पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, और तीनों सब्जेक्ट का मिला के 1050 आपको देना पड़ेगा, जो कि कल रात के 12 बजे तक ₹750 था। अब इसको आगे बढ़ा के चेक करने के लिए हम यहाँ पर आपको यहाँ ये भी दिखा देते हैं। सर्वर वन से मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो 750 प्लस टैक्स GST वगैरह दिखा रहा था तो वो 756 कुछ ऐसा, 760 कुछ ऐसा हो रहा था, तो वो अब यहाँ पर ₹1060 हो गया है। यहीं पे हम आपको दूसरा पेमेंट गेटवे सर्वर टू से भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको 1050 के साथ जो अलग अलग टैक्स था वो लग के यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको अब हो जा रहा है। तो अब अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको यही फीस देना पड़ेगा, जहाँ पर कि ये न्यूज़ हमने आपको बताया कि ये यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन उस रिक्वेस्ट का यहाँ पर को संज्ञान में नहीं लिया गया और फीस जिस प्रकार से बोला गया था तो 7 मार्च से फीस ऑलरेडी अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो अब अगर आप पेमेंट करते हैं तो अब आपको 1050 लगेगा प्लस टैक्स, तो सब मिला के आपको जितना भी होता है पेमेंट करते समय वो देना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उन लोगों को तो अब देना ही देना है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आप अब इसी प्रकार से, अब आप जिन लोगों जो लोग नहीं कर पाए थे वो लोग इसी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाया था और यहाँ पर आपको मान लीजिए कि 48 घंटा वो लोग बोलता है, लेकिन 2-3 दिन भी मान लीजिए आपका हो गया है और पेमेंट सक्सेसफुल दिखाए हुए, लेकिन आपको अभी तक पेमेंट नॉट मेड दिखा रहा है दोबारा इनरोलमेंट नंबर से चेक करने पर, तो आप, मैं फिर से अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब जो फिर से डेट है ये 7 मार्च से 15 मार्च तक है ना, तो 15 मार्च तक तो डेट है अभी आपका,
तो अभी आप एक दो दिन तीन दिन चेक कर लीजिए, आपका वो अपडेट हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो श्योर शॉट आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट करते समय कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फेल्योर हुआ था, तो वो पैसा आपको रिटर्न होगा। अब अगर आप उसके लिए पेमेंट करते हैं तो 1050 आपको देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ये दोस्तों अपडेट है अभी का। अगर आगे इसमें कुछ चेंजेज होता है, NIS कुछ करता है, तो हम जरूर आपको बताएंगे। पूरे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ पर नीचे से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा आगे की वीडियो का वो आपको मिलते रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ बताना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया। तो मिलते हैं नए वीडियो में। बाय, जय हिंद।